हेलो, मैं हूँ आस्था। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अपना वेट लूज करना चाहते हैं और वो डाइट भी नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, स्पेशली उन लोगों के लिए। पर जो लोग डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अगर वो भी इसे अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आएंगे तो उनके जो वेट लूज है उसे बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। बहुत ही इजी और सिंपल एक्वाप्रेशर पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिए। और ये जो एक्वाप्रेशर पॉइंट्स है आपको 1 से 3 मिनट के लिए प्रेस करने हैं, जिससे कि आपका बेली फैट, थाइस फैट और बॉडी में कहीं भी फैट हो वो एकदम बटर की तरह मेल्ट हो जाएगा और आसानी से चला जाएगा और आपको बहुत जल्दी अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं 4 एक्वाप्रेशर पॉइंट फॉर वेट लूज। तो गाइस, फर्स्ट एक्वाप्रेशर पॉइंट है हमारे कान के पास। ये जो हमारा लोब है यहाँ पे, ये ट्रायंगल शेप का, ये है हमारा फर्स्ट एक्वाप्रेशर पॉइंट। तो आपको इसको ऐसे प्रेस करना है, आप इसे प्रेस भी कर सकते हैं और आपको प्रेस भी इतना करना है कि यहाँ पर जब आप प्रेस करें तो आपको थोड़ा सा पेन हो। और आप या तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। आपको इसको 3 मिनट के लिए प्रेस करना है, इससे आपको अमेजिंग वेट लॉस मिलेगा। ऐसे आपको प्रेस करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके मेटाबॉलिक रेट को भी हाई करता है और आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। और जिन लोगों को बार बार भूख लगती है, अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो इजीली इन पॉइंट्स को दबाकर अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं और इजीली अपना वेट लूज कर सकते हैं। तो आपको ऐसा 3 मिनट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत ही इजी और सिंपल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और आप इन्हें प्रेस करके या फिर रोटेट करके इजीली अपना वेट लूज कर सकते हैं। जो सेकेंड एक्वाप्रेशर पॉइंट है वो है हमारे लिप्स के बीचों बीच, बिल्कुल यहाँ पर। हमें इसे यहाँ पर ऐसे प्रेस करना है देखिए, बिल्कुल इस तरह प्रेस करना है और आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो रिलीज हो जाती है। हमारा जो वेट लूज है वो फास्ट होता है। अगर हम टेंशन में रहते हैं, मानसिक तनाव हमें रहता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, वो इकट्ठे होकर टॉक्सिन्स जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं और हमें बॉडी फैट हो जाता है। तो इस पॉइंट को अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारे वो जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज होते हैं और हमारी जो टेंशन है या फिर हमें कोई स्ट्रेस है वो रिलीज होता है और ये हमें बचाता है वेट गेन होने से। देखिए, हमें ये इस तरह प्रेस करना है। ये प्रेशर पॉइंट जो है आपकी एंजाइटी, आपके स्ट्रेस और आपके डिप्रेशन को दूर करेगा और आप जो भी खाएंगे आपको डाइजेस्ट होगा और आपके मूड को भी चीयरफुल बनाएगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और आप इसे प्रेस भी कर सकते हैं। आपको इसे 3 मिनट के लिए करना है। कितना इजी और सिंपल है ना गाइस, तो प्लीज इसे फॉलो जरूर करें। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड एक्वाप्रेशर पॉइंट है बिल्कुल हमारे थंब जो है इसके बिल्कुल सेंटर में, ये वाला पॉइंट जो है आपको इसे प्रेस करना है 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा जोर से प्रेस करें ताकि आपको थोड़ा सा पेन महसूस हो। यहाँ पर आपको ऐसे प्रेस करना है 2 से 3 मिनट के लिए। 1 मिनट आप इस वाले अंगूठे को प्रेस कीजिए बिल्कुल ऐसे, उसके बाद दूसरे अंगूठे को प्रेस कीजिए ऐसे, यहाँ से बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल ऐसे प्रेस कीजिए यहाँ से।
इस पॉइंट को दबाने से आपका जो वेट लूज है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को दबाने से अगर आपके हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं है तो वो भी बैलेंस हो जाएंगे और आपका वेट जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको 2 से 3 मिनट के लिए इस अपर थंब का जो सेंटर पार्ट है उसे प्रेस करना है। ये प्रेशर पॉइंट प्रेस करने से आपका जो वेट लूज है वो बूस्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे आपको 2 से 3 बार इसे दबाना है। 3 मिनट के लिए आप हर पॉइंट, जो भी मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ उन्हें 3 मिनट के लिए आप प्रेस करें। चलिए अगले प्रेशर पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला 4th प्रेशर पॉइंट हमारा जो है वो है हमारी बाजू पर। ये हमारी बाजू है अंदर की साइड, ये हमारी कोहनी, और कोहनी से हम एक अंगूठा नीचे जाएंगे, एक अंगूठा नीचे, तो बिल्कुल यहाँ पर, ये देखिए गाइस, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आपको ये प्रेस करना है, या फिर आप इसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे आपको इसे ऐसे प्रेस करना है और ऐसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ऐसा आपको दोनों बाजू पे, आपको अपनी दोनों बाजू जो है कूनी से एक अंगूठा नीचे आपको ऐसे प्रेस करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जिन लोगों का डाइजेशन अच्छा नहीं रहता उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और ये अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो भी ये आपको खाने को, जो भी आप खा रहे हैं उसे डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इससे आपका, अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपका वेट लूज भी अच्छा ही होगा। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए तो ये अमेजिंग वर्क करेगा और आपको बहुत जल्दी वेट लूज देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो गाइज ये सबसे बेस्ट पॉइंट है जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है उनके लिए। ऐसा आपको दोनों बाजुओं पे करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो गाइस ये थे 4 एक्वा प्रेशर पॉइंट्स जो कि आपको वेट लूज में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जो लोग डाइट नहीं कर सकते वो लोग इसे जरूर फॉलो करें। ये जो एक्वा प्रेशर पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आप 1 से 3 मिनट के लिए दबाएं। अगर आप 3 मिनट के लिए दबाते हैं तो टोटल टाइम आपको 12 मिनट का लगेगा, और अगर आप दिन में 2 बार दबाते हैं तो आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइस प्लीज इसे ज़रूर फॉलो करें। जो लोग डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, जिनके पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो वो तो ज़रूर इसे अपनी लाइफस्टाइल में लेके आए। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो एक्वा प्रेशर पॉइंट्स अगर आप प्रेस करेंगे और आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और गाइस इसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं तो प्लीज इसे ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू। ओके, बाय फॉर नाउ गाइज़।